बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए ख़ास तौर पे बनाई जा रही है। जो लोग पेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद हासिल करना चाह रहे हैं कि उनको मसलसल हुकूमत की जानिब से पेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद फराहम की जाए और वो आसान तरीके से यहाँ से अपनी जो पेमेंट्स हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएँ, तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत की एक और नई पॉलिसी है और इस पॉलिसी का मकसद ये है कि जो इंतहाई गरीब घराने हैं उनको बैंक अकाउंट के ज़रिए जो पेमेंट्स हैं वो दी जाए, बैंक अकाउंट के अलावा कोई और तरीक़ेकार ना हो। तो इसलिए अब हुकूमत पाकिस्तान आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो बैंक अकाउंट के अंदर देगी और इसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी, तो इसके हवाले से मैं अथेंटिक और दुरुस्त मालूमात आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हुकूमत ने तमाम ख़ानदानों के लिए ये ऐलान किया है कि वो अपने अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। तो अब बैंक अकाउंट कैसे बनेगा इसके हवाले से मैं आपको जो तफसीलात है वो फराहम करने लगा हूँ। इंतहाई गरीब घरानों के लिए ये जो तफसीलात हैं वो है, और इसमें सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप बीएसपी प्रोग्राम का हिस्सा हों। जब तक आप बीएसपी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह चेक करने का तरीक़ेकार पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले बीएसपी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा लें, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहां से इमदाद हासिल करने के लिए आप इस पर अप्लाई कर दें। तो जब आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे तो यहां पर आपको 8171 के ज़रिए आगाह किया जाएगा, और उसके बाद फिर हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर जो पेमेंट्स है वो बैंक के अंदर देगी। अब ये नहीं होगा कि आप एहसास सेंटर से वसूल कर लेंगे, आप किसी और जगह से वसूल कर लेंगे। आपको एहसास सेंटर से अब ये पेमेंट नहीं मिला करेगी, आपको शॉप वगैरह पर ये पेमेंट नहीं मिला करेगी। इसके लिए बाकायदा आपको बैंक जाना पड़ा करेगा या आपको ATM पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप लोगों को हुकूमत की जानिब से जो इमदाद है ये फराहम की जाएगी। तो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम फैसला सामने आ चुका है और इसके लिए 81 कतर की जो अपडेट्स है वो आप लोगों को मिला करेगी, और इसके लिए पोर्टल भी आ चुका है BISPPortal.com, इस पर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बैंक अकाउंट कैसे बनेगा। बैंक अकाउंट बनवाने का सबसे आसान हल ये है कि आप लोगों को के पास BSP प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि आप लोग BSP प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हों। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी, एक तो BSP की स्लिप जो आप लोगों को पेमेंट के वक्त दी जाती है जो आप रिसीव करते हैं, एक तो वो हो, या आपको पेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक लेटर बनाकर दिया जाएगा जो कि BSP प्रोग्राम के हवाले से होगा, और उसमें बताया जाएगा कि ये बंदा इधर रजिस्टर है और इसका बैंक अकाउंट खोला जाए जो कि BSP का है। तो उस लेटर के ज़रिए, आपके कौमी शिनाख्ती कार्ड के ज़रिए आप लोगों का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्दन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ऐसे ये गलती नहीं करनी, आपने BSP प्रोग्राम का मैसेज आने का इंतज़ार करना है। जब आप लोगों को यहाँ पर मैसेज आ जाए उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो सेंटर्स बनाए गए थे पहले तो वहाँ पर पेमेंट मिलती थी, लेकिन अब आपको कहा जाएगा कि आप BSP के ऑफिस आ जाएँ, यहाँ जाकर आप लोग लेटर हासिल करें और उसके बाद बैंक अकाउंट बनवा लें।